वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। सिंह द्वार से मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरुआत। रोड शो में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती में भी होंगे शामिल। कल करेंगे नामांकन दाखिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बांदा में विपक्षी दलों पर बुंदेलखंड की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, पानी की समस्या का करेंगे समाधान। बिहार के दरभंगा में आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की उत्तर प्रदेश में कई रैलियां। कहा, सपा बसपा और कांग्रेस ने जातिवाद फैलाने का किया काम। राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियां। कहा, नोटबंदी और जीएसटी गरीबों और किसानों के खिलाफ। कहा, सत्ता में आएंगे तो गरीब महिलाओं किसानों के साथ होगा न्याय। कन्नौज में सपा बसपा और आरएलडी की साझा रैली। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर देश में गरीबी बेरोजगारी बढ़ाने का लगाया आरोप। सीजेआई के खिलाफ साजिश के दावे से जुड़े मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। जस्टिस एके पटनायक कोर्ट में दाखिल हलफनामे और सबूतों के आधार पर करेंगे जांच। जरूरत होने पर सीबीआई, आईबी और दिल्ली पुलिस को सहयोग करने का आदेश। और उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली मुलाकात। शिखर वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता। कोरियाई प्रायद्वीप के ताजा हालात पर हुई चर्चा।